खत क्या है? 10 से 1 तक बंद, 1 बजे। खूंखार दिख रहा है, खूंखार खूंखार दिख रहा है, खूंखार। 3, 2, 1 What's up guys, good morning, this is Kushal here. Once again welcome back to my YouTube channel Kushal Lila. So guys, आज का ब्लॉग शुरू होने जा रहा है साउथ सिक्किम से, और आप लोग देख रहे हैं पीछे यहाँ पे ना इतना खूबसूरत वादियों से शुरू कर रहे हैं आज का ब्लॉग, और खूबसूरत वादियों के साथ मेरी खूबसूरत वाइफ। और सो गाइज, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि टाइटल में देख के हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को जगह दिखाएंगे। और हम लोग यहाँ पे जहाँ पे रुके हैं ना, यहाँ पे इतना अच्छा रोड है, टर्निंग है, यहाँ से सीधा हम लोग यहाँ से आए हैं और यहाँ से जाएंगे। और जो यहाँ से नीचे वाला रोड है ना, ये सिंगताम से आता है, और ये जो ऊपर वाला रोड है यहाँ से नामची और रामबंगला, और हम लोग ये रोड का मजा लेते हुए जाएंगे। सो चले, सो लेट्स गो बेबी, लेट्स गो, लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और तार्क वाला रोड का मजा लेते हुए जाएंगे। और थोड़ा सा ऊपर से हम लोग को लेन चेंज करना है, और रामबंगला वाला पुराना रोड से जाएंगे, जो पुराना रोड 4-5 साल पहले से बन रहा था, अभी वहाँ पे मतलब मैक्सिमम 70% हो चुका है। और आज ना वही रास्ते से जाएंगे, क्योंकि वहाँ का भी रास्ता ना ऐसा ही बन चुका है। अभी यहाँ का तो रास्ता एकदम मानना पड़ेगा, बहुत मस्त बन चुका है। डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड रोड है ना ये, तो बड़ा तो होना ही चाहिए। और मेन चीज़ तो जो हमारा नेशनल हाईवे है ना, उसको बनाना पड़ेगा। 1 महीना पहले अगर आने से ना, ये तिमी तालको टी गार्डन में इतना बढ़िया होता है, वहाँ पे चेरी ब्लॉसम होता है, उस टाइम तो क्या ही बोले यहाँ का जो तिमी तालको का खूबसूरती। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये पूरा बैकेटिंग करके ये रोड को एक्सपांड किया है। आज का जो ब्लॉग है ना गाइस, एकदम ज़बरदस्त होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। रामबंगला 26 किलोमीटर पहुँच ही जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्यूट क्यूट पपी रोड के बीच में है। बहुत रिस्क है, गाड़ी लगाएगा जैसा लग रहा है। लेना देखो ना, वो एक 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 को क्या हुआ है, उसको गाड़ी ने तो नहीं मारा है। सो कितना क्यूट क्यूट पपी है, रोड के बीच बीच में अगर गाड़ी ठोक देगा जैसा लगा है। भाई जा, पता नहीं कौन है मालिक इसका। तो आगे से रूट चेंज होता है, और यहाँ से पूरा लेफ्ट लेके जाते हैं, तो ये रोड है, नामची पहुँचते हैं दामथंग होके, और ये रोड हमारा पुराना रोड है जो रामबंगला के लिए। अभी ये रोड लेते हुए जाएंगे। अरे भाई, क्या लिखा है, रोड क्लोज, रोड क्लोज डाइवर्जन छाई ना, बंद रोड हो गया, सत्यानाश हो गया, सत्यानाश, रोड क्लोज्ड। 360 घुमा के निकलना पड़ेगा। घर से सोच के आए थे ना, एक नया रोड से जाएंगे, खत्म हुआ, खत्म। अभी कोई नहीं गाइस, अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो जो रास्ता है तिमी टी का रास्ता, एकदम खुश कर देने वाला रास्ता है, वो रास्ते से जा रहे हैं अभी। गाइस, आप लोग ये देख सकते हैं तारको का एक छोटा सा मार्केट, बहुत छोटा सा है मगर ऑर्गेनिक है, जगह ही ऑर्गेनिक है, क्या ही बोले गाइस। गाइस, यहाँ से शुरू हो चुका है चाय बगान वाला रोड, एकदम मस्त रोड है। अगर आप लोग अगर सिक्किम घूमने आते हैं तो ये रोड ज़रूर घूमिए, ये रोड में ज़रूर चलिए एक बार, नामची जाते वक्त आपको मिलने वाला है ये रोड। वाओ, क्या मस्त है गाइस, मस्त है। आज संडे है ना, बहुत सारे लोग आए हैं, मगर हम लोग यहाँ पे नहीं निकलेंगे अभी, किसी दिन अगर ये तिमी का हो सका तो यहाँ का पूरा एक्सप्लोर करेंगे। एक चीज़ तो पक्का है गाइस, एक चीज़ तो पक्का है, सिक्किम में ना सबसे खूबसूरत रोड यही है, तिमी वाला रोड। दोनों तरफ चाय का बगान, बीच से रोड, अलग ही वाइब्स देने वाला है आप लोगों को। और यहाँ पे कैफ़े वगैरह है, आप लोग यहाँ पे बैठ के प्योर तिमी टी का चाय पी सकते हैं।
छोटा सा सिनेमेटिक शॉट ले लेते हैं। पहुंच चुके जो तिमी टी गार्डन का सबसे टॉप में, और यहाँ से कुछ तिमी टी गार्डन का व्यू कुछ ऐसा है। ये चेक करेगा इस खूबसूरती से भरा पड़ा। और ना हेलिना का थोड़ा सा दिक्कत हुआ राइड करते वक्त। क्या हुआ? उल्टी आया। वॉमिट होने वाला था मगर किया नहीं। ये जो रोड है ना, मतलब पूरा ऐसे कर्व है कि उसको मतलब बाइक में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होता है। गाड़ी भी अगर स्पीड चलाएंगे ना तो ऐसा ही होता है उनको। वो खुद भी गाड़ी चलाती है फिर भी ऐसा ही होता है। क्या कहती हो अभी चले? टर्निंग से हुआ, ऐसे ऐसे टर्निंग में चलाया ना बाइक, ऐसे हुआ, उसके कारण से हुआ। तो चलो कोई नहीं, अभी निकल देते हैं यहाँ पे। उठो 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 उठो, बूट लगा के इतना सुंदर होके आई हो, खत्म पारी है, ब्यूटीफुल होके आई हो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चले चले सो गाइस, अभी ना हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और एलिना रेडी। सो अभी हम यहाँ से तेरी क्या हुआ? बाप रे भाई, क्या हो गया ये? पूरा ऑयल है तो वो तेरी पूरा लीकेज कर रहा है। ये सॉकर देखो तो, वो सॉकर लीकेज कर रहा है पूरा, शायद अंदर का तेल पूरा निकल गया है। अब कैसे जानू? बाफ बाफ गाइस, क्या ही बोल सकते। अभी एक कांड हुआ, अभी हम लोग जहाँ जा रहे थे शायद वहाँ जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पूरा ऑयल लीकेज है। सॉक पीछे का जो सस्पेंशन है ना, पूरा ऑयल लीकेज है। होगा कि नहीं होगा अभी देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा ऑयल जमीन में। अब क्या करे ली, जान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वर्कशॉप पे फोन करके पूछिए ना, पता नहीं। अभी दो आदमी भी नहीं बैठ सकते शायद इस बाइक में। अरे वो तो क्या जानू, आपको गाड़ी में जाना पड़ेगा। कुम्मा तवे को बस इधर जानो, अभी देख लेते, चल के ट्राई कर लेते पहले। सो गाइस, पाइन के बीच से होके अभी दामथांग पहुंचने वाले हैं। दामंगला वाला रोड पकड़ेंगे और राइट साइड, और बाइक तो खराब हो ही चुका है, क्या करें गाइस। हम लोग दो बैठने से ना पूरा बाउंस कर रहा है, तो क्या होता है देख लेते हैं। थोड़ा सा चला लेंगे, इस जगह को पुतली भीड़ बोलते हैं। एकदम नैरो रोड है, छोटा सा रोड है, दो गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं होगा, रिस्क है। पूरा हॉर्न दे के जाना पड़ेगा, और हॉर्न का थोड़ा वो सिग्नल भी बना दिया है कि हॉर्न मारो करके, हॉर्न मारते हुए जाएंगे। तो राबोंग एक छोटा सा मार्केट पहुँच चुके हैं, और बाइक भी थोड़ा दगदी देगा जैसा लग रहा है। इतना प्यार से चला रहा हूँ बाइक को मैं, इतना बड़ा ट्रक आ गया आगे। अभी यहाँ पे चाय पीने का प्लान था, अभी हेलना के चाय पियोने यहाँ जूँ आई। ये उसु नहीं है, ये धूल है, धूल। वैसे भी सस्पेंशन ठीक नहीं है, गाड़ी रिवर्स कर रहा है, मतलब सीमेंट जैसा लग रहा है। आहा, क्या है, ख़त्म हो गया, ख़त्म बाइक का हो गया सत्यानाश। आज का दिन तो किस दिन में निकला है, मौसम इतना सुहाना है मगर रास्ता ना मतलब बार बार डिस्टर्ब हो रहा है।
ऊपर से भी फर्स्ट में रोड डाइवर्स था, उसके बाद फिर सेकंड डाइवर्जन, उसके बाद फिर थर्ड, यहाँ पे 10 से 1 तक बंद, 1 बजे के बाद खुलेगा, मगर हम लोग को ये लोग जल्दी ही छोड़ेगा। देख लेते हैं क्या होता है अभी। सो पता ही नहीं था यहाँ पे बंद है, और मैं तो ज़बरदस्ती जा रहा हूँ, क्या बोलता है देख लेते हैं। आमिला याद थे ना कि याद थे ना नहीं आमिला? अरे भाई ऐसा रास्ता, नचल चलन चल, पछाडिको चक्का चिप्ले पनि कुदाउनु त कुदाउँछु नि म, मेरो जुत्ता मैला भयो कि, अन्त ब्रेक लाउने बेलामा चाहिँ खुट्टा माथि थियो नि त यसरी। ओके लेग सेप, अब हम लोग जाना है राइट साइड गेजिङ की तरफ, यहाँ से 15-20 किलोमिटर होगा रापदेन्सी पहुँचने में। तो आप लोग को बताई देते हैं कि गाइज हम लोग रापदेन्सी जा रहे हैं, रापदेन्सी जो सेकेंड कैपिटल ऑफ सिक्किम, अभी वहाँ जाके आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करते हैं। सो बने रहेगा गाइस मेरे चैनल पे। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं लेक सेप से थोड़ा सा ऊपर, 3-4 किलोमीटर ऊपर, और यहाँ पे हम लोग चाय पीने वाले हैं और स्नैक्स भी करने वाले हैं, और हिलना खा रही है चिकन थुक्पा, और एक चिकन थुक्पा मंगा लेते हैं और एक मोमो मंगा लेते हैं चिकन, और 2 चाय। वेज मोमो सो चलो कोई नहीं दज्जू, एक चिकन थुक्पा, एक भेज मोमो, 2 मिल्क टी कर दिनुहोस् न। चेहरा देखे न पुरा दुख दर्द से गुजरा हुआ जैसा दिख रहा है। आज न गाइस हेलिना ने 2 बार बाइक पे चलने से भी वॉमिट करने का ट्राई किया, अभी यहाँ आने के बाद भी वॉमिट करने ही वाली थी, मगर फिर हुआ नहीं, पता नहीं बाइक में भी ऐसा होता है उनको। मोड़ पे रुके हुए है और टी मिला है, अभी फटाफट टी कॉफी लेते हैं, उसके बाद टी पीते पीते अपना थुक्पा भी बन जाएगा। तो रीना को बहुत प्रॉब्लम हुआ है, उसका चेहरा ही कुछ अलग लग रहा है, बहुत प्रॉब्लम हुआ है ना, बहुत बीमारी जैसा फील हुआ है। चाय पी लो ना, ठीक हो जाएगा, पी लो पी लो। सो ये रहा थुक्पा और ये रहा मोमो, मोमो को टेस्ट को रिएक्सन देते एउटा खाएर, अनुहार हेरेर मिठो अनुहार बनाएर अब कसरी रिएक्सन भयो चाहिँ कैसा रिएक्सन देती है, ये तो तेल ज्यादा है इसमें। सो अभी यहाँ से निकल लेते हैं और आधा घंटा में पहुँच जाएंगे रापदेन्सी, और यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा जैसा दे के फिर लौटते हैं। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं गेजिंग, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाने वाले हैं स्टीप वाला रास्ता, जो तिकजुक वाला रास्ता भी बोलते हैं, तो उस रास्ते से जाएंगे। अरे भाई कैसे चला रहा है, खतरनाक राइडर सिक्किम का ना गाइज, सिक्किम का सबसे चढ़ाई वाला रोड है ये, सबसे स्टीप वाला रोड, और वो रोड में राइड कर रहे हैं। यहाँ पे ना रोड नैरो भी है और पूरा स्टीप भी है, यहाँ पे इतना सारा गाड़ी एक्सीडेंट हो चुका है अभी तक, शुरू से लेके फर्स्ट गियर में है गाड़ी, देख सकते हैं फर्स्ट गियर, इतना दिक्कत हो रहा है फर्स्ट गियर में भी खींचने में। अम्मा मामा अभी यहाँ पे सेकंड गियर में खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींच लेगा, बाइक में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी में बहुत फर्क पड़ेगा, गाड़ी में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अरे भाई भाई आम्मा मामा थत कस्तो उकालो, स्टिप वाला रास्ता ख़त्म ही हो रहा है। अगर आप लोग को स्टिप वाला रास्ते से नहीं आना है तो आप लोग ये रास्ते से भी आ सकते हैं, नीचे मार्केट से जो बड़ा गाड़ी इस रास्ते से आता है। सो पहुंच चुके हैं गाइस रापदेन्सी, अभी हम लोग जाएंगे अंदर, अभी तो गाड़ी का पार्किंग भी है जैसा लग रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, और
आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो पानी पानी चारों ओर खूबसूरत। और यहाँ पे ना वो पार्किंग का फैसिलिटी भी है पूरा, पहले यहाँ पे नहीं था ना एलिना पार्किंग का फैसिलिटी, अभी तो बहुत सुंदर दिख रही है। तो कैसे मिला है बाल? बहुत अच्छा दिख रहा है अभी बना लिया नहीं नहीं उस टाइम झिंगनिंग था, अभी बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलो कोई नहीं अंदर जाते हैं, अभी यहाँ गेट से गेट में एंट्री फी देना पड़ेगा शायद। तो अभी ना यहाँ पे बहुत मेंटेन किया है और जो टिकट का प्राइस है इंडियन को 100 ना, तो 100 रुपीस पड़ रहा है। तो अभी यहाँ से अंदर घुसेंगे। सो हो गया टिकट, सो ये रहा टिकट। सो अभी चलते अंदर, थोड़ा ठंड लग रहा है। क्या होगा ये? सीमेंट का होगा, वुडन है तो वुडन। सीधे क्यों तुनकु बर्ड पार्क राबदेन्सी गेजिंग। सो अच्छा है ये तो हाई कार है, पूरा निंदा लग रहा है तुम्हें। यहाँ पे क्या लिखा है देखो ना, सोविनियर शॉप बर्ड क्लिनिक बर्ड पैराडाइज, क्या क्या है बहुत कुछ है यहाँ पे। ये कैफे है ना, ये कैफे कैफे। तो अभी ना यहाँ पे बर्ड पार्क भी है और बना रहे थे पहले जब आया था ना हम लोग, उस टाइम बर्ड पार्क बना रहे थे ना, तो अभी शायद बर्ड पार्क भी चालू हुआ होगा। सो देख लेते, देख सकती हो फाइन खूबसूरत व्यू। और यहाँ पे लिखा है नेचर वॉक। हेली कितना चलना पड़ेगा हम लोगों को? अभी रास्ते में लिखा है ना थोड़ा थोड़ा करके। हेली मेरे को ना, मुझे ना अभी तक का ना सबसे मतलब बेहतरीन वॉक वे यही लगता है जो राबदेन्सी का, जो रोड रोड से लेके ना उधर रुइंस तक पहुंचने के लिए जो है ना, मतलब एक अलग ही टाइप का एक्साइटमेंट रहता है ना। तो लिखा रहता है 500 मीटर 200 मीटर ऐसे करके लिखा रहता है ना, तो अलग ही टाइप का मतलब कहना क्यूरियसिटी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये रहा बर्ड पैराडाइज लिखा हुआ है वहाँ पे। टिकट लिया था ना वो खाली बर्ड पार्क का है, और रुइंस के लिए नहीं पड़ता है टिकट, नहीं पड़ता है ना टिकट रुइंस के लिए, पड़ता नहीं है ना। सो यहाँ से चेक करवा के अंदर घुसना पड़ता है। सो थैंक यू, सो चलो अंदर। और यहाँ का जो इंट्रेंस है कुछ इस तरीके का, आप लोग देख सकते हो बर्ड पैराडाइज। वाह खूबसूरत, ये बर्ड पार्क बना के तो हम लोग नहीं आए थे ना, ये वेटिंग शेड है जस्ट। अच्छा है, फर्स्ट टाइम बर्ड पार्क बना के सच में सच में सच में ऐसा ही लग रहा है जुरासिक पार्क में आया हुआ जैसा फील हो रहा है। मतलब पहली बार आ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे ये होने के बाद नहीं आया था, जो बर्ड पार्क होने के बाद नहीं आया था। साइड साइड का व्यू खूबसूरत व्यू। ये चेक करें गाइस, पूरा पुलिस वाला है, आईआरबी वगैरह रखा हुआ है। और इस बैम्बो को ना क्या क्या खूबसूरत बनाया है बैम्बो को, देखो ना घर में मैं भी बनाऊंगा। अभी ना हम लोग ओवरहेड ब्रिज पे है और बीच में है, और यहाँ से चारों ओर दिखता है, ऐसे कुछ करके डिजाइन किया है। आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ से कुछ कैसा है यहाँ का जो व्यू। सो यहाँ से इस साइड से देखने से आप लोगों को पूरा बोर्ड को इस तरीके से रखा हुआ है, और ये रहा पूरा बैरिगेटिंग किया है साइड से। वहाँ पे फोटो खींचने के लिए है सेल्फी कॉर्नर, और उसके बाद और यहाँ पे राइट साइड में ये रहा, वहाँ पे है वहाँ पे है वहाँ पे वहाँ पे, और उसके बाद जो है इसके अंदर भी बर्ड है पूरा का पूरा। तो पूरा बैरिगेटिंग है यहाँ पे। एलिना घूम घूम के थक चुकी है, अभी चले चलो चले चलो मितुआ। क्या देख रही हो? गाइस यहाँ पे एकदम बढ़िया सा फोटो खींचने वाला जगह मिला, और हम लोगों ने पूरा फोटो खींचा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। वाओ लवली पिक्चर। बर्ड पार्क उतना बड़ा नहीं है, बड़ा मतलब अच्छा है, सिक्किम में तो बहुत बड़ा ही है। वाओ लवली, मिठो कलर है, मिठो कलर है, मिठो कलर है। अनर हेर्नु न कस्तो अङ्कल न अङ्कल रहेछ, कोरियन उपाल।
मतलब देहरादून में जो बॉट पार्क था ना उतना बड़ा तो है नहीं, मगर अच्छा है, अच्छा है यहाँ पे। नया नया है ना, अभी धीरे धीरे बहुत डालेंगे शायद। ये काली होगा शायद, मगर यहाँ पे ना देखने के लिए थोड़ा, ये छोटा हुआ ना, ये देहरादून में तो सब दिख रहा था ना अंदर अंदर। सो यहाँ से कैमरा से पकड़ेंगे नहीं जी, क्या है तो अभी इसके अंदर चलते हैं, नहीं जा सकते यहाँ से शायद। हेली वाओ लवली, ये बाबा आउनु पर्ने रहेछ, बाबा उसका होगा ना भँगेराको, भँगेरा भँगेरा के लिए होगा ना, छोटा चरा के लिए। चलो ऊपर चलते हैं ना गाइस, पेड़ का डिजाइन बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे बॉट पार्क के लिए। जोड़ी देछ है, वाओ दम्मी। यहाँ पे इमो भी है, इमो इमो की भन्छ, इमो है, इमो भी है। कम से कम 50 केजी होगा, बहुत बड़ा है। 30 केजी तो होगा, 30 केजी तो था। चलो 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 चलो, ये चेक करे गाइस। वाओ ये जो बनाते हैं ना, बनाने वाले को ना मतलब टैलेंट को मानना पड़ेगा सच में ना। खूंखार दिख रहा है, खूंखार खूंखार दिख रहा है, खूंखार। सो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर गार्डन है, आप लोगों को दिखाते हैं फ्लावर गार्डन। और ये चेक करें गाइस, खूबसूरत व्यू। और जो फ्लावर को ना ऊपर ऊपर ऐसे करके रखा है खूबसूरत, और यहाँ पे ऐसे करके शानदार सा फ्लावर। आप लोग यहाँ पे आके ना अपना इंजॉय, मन मुक्त होके जा सकते हैं। और ये प्लान मेरे को भी घर में लेके जाना है, इस टाइप का अच्छा लगा। और ये चेक करें गाइस, खूबसूरत व्यू। और बीच में बुद्ध भगवान का स्टैचू। तो अभी ना हम लोग ने बॉट पार्क का मजा ले लिया, कैसा लगा? अच्छा लगा, नया कुछ देखने को मिला ना आज आने के बाद। अरे ये नया है ना, हम लोग इससे पहले आए यहाँ पे नहीं आए ना, बहुत बार आ चुके हैं रात दिन से, मगर ये बॉट पार्क में पहली बार आया है ना हम लोग। तो ये बॉट पार्क कब से शुरू है शायद? मैडम ये बॉट पार्क कहिले शुरू भएको? ओके, 7-8 महीना हुआ है, 2023 से चालू हुआ है। अच्छा है, सिक्किम में कुछ अच्छा बन रहा है अभी, मतलब शुरू किया था 2017 से शुरू हुआ है बॉट पार्क है ना। शुरू किया था श्री पवन चामलिंग ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑन 4 दिसंबर 2017 से शुरू हुआ था। तो अभी बन चुका है, हो गया है। सो गाइस हम लोग एक जंगल के अंदर है, भयंकर भयंकर जंगल है, हम लोग जंगल के अंदर है। अंधेरा खतरनाक है, पर मजा करते हैं। और ये है हम, ये है मेरा बुढ़ा बुढ़ा। हाम्रो लव स्टोरी कहाँदेखि स्टार्टिङ भएको भन्छ? रापदेन्सी सुरु भयो हाम्रो लव स्टोरी, रापदेन्सीमै जाके के इन नै होगा, खतम गरे होगा। बहुत लम्बा चल्न पर रहा है, कितना किलोमिटर जैसा होगा कुशल दा? 800 मिटर है, 800 मिटर 1 किलोमिटर छैन। अगर मैं अकेला होता ना, हाइट नगर्नु न, छाती भुल्यो, चलि नै पाती हो, कुछ गरि नै पाती हो, हात तान्न मलाई। गाइस अभी हम लोग ना इतना खूंखार जंगल में है, आप लोग को दिखा देते, ये चेक करे गाइस, खूंखार आबिती, खूंखार आबिती, खूंखार। स्टिल 250 मीटर्स टू गो। कुशल दा म गाको ल, बाय बाय। को फसला कुदे गरे अब 100 मीटर रहेछ है रुइन्स। सो हम लोग कुछ ही दूरी में पहुंचने वाले हैं रुइन्स। और ये रहा यहाँ जस्ट ऊपर,
जाएंगे ना आपको पूरा शानदार सा सेकंड कैपिटल ऑफ सिक्किम मिलेगा आप लोगों को। लो जस्ट वेट, पहुंचने वाले जस्ट जस्ट कुछ दूरी में, 3 2 1 बूम। वाओ लवली लवली व्यू, लवली लवली। दिस इज द सेकंड कैपिटल ऑफ सिक्किम since 1970 थाक्यो तर यहाँको नि आकाशको भ्यू छ नि। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं राब्देन्सी, आप लोग देख रहे पीछे में पूरा ये हिस्टोरिक प्लेसेस है और ये ना सेकेंड कैपिटल ऑफ सिक्किम है और सिंस 1970 में 70 से लेके 1814 तक था, उसके बाद थर्ड कैपिटल ऑफ सिक्किम तुमलोंग, उसके बाद गैंगटोक। सो फर्स्ट कैपिटल ऑफ सिक्किम यक्सुम है वो 1614 में है और ये जो हिस्टोरिक प्लेसेस है सिक्किम का नंबर 1 हिस्टोरिक प्लेस आप लोग ये चेक करिए गाइस, यहाँ का पूरा लैंडस्केपिंग व्यू इस टाइप का है। चलते हैं दरबार के रूम्स में ना, रूम्स को दिखा देते हैं कैसा है रूम्स, पूरा एक्सप्लोर करेंगे आज। मज़ा आ रहा है बहुत, खुश नसीब है जो मौसम इतना अच्छा हुआ। सो चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम शूट किया था ना, शूटिंग किया था। अभी अंदर राज दरबार के अंदर घुस लेते हैं। ओके, कौन सा बेडरूम है, कौन सा किचन है, कौन सा मतलब सिटिंग रूम है, हॉल है, खाना आपको कैसे पता चला? अंतर्यामी दीन दयालु। सो ये रहा। सो गाइस वेलकम टू द रुइन्स। ये चाहिँ पहिला राजा रानीको चाहिँ भान्सा कोठा। सो ये है भान्सा कोठा, मतलब किचन है, किचन है ना। ये चेक करिए गाइस, खूबसूरत व्यू। और ना हाँ हाँ अभिमन्यु चक्रव्यूह जैसा लग रहा है। ओके, और ये हवा तान, हवा खाने के लिए बालकनी। यहाँ पे छोड़ते नहीं, छोड़ते क्या दिखाने वाली हो, जल्दी दिखाओ। ये राजा रानी को सुतने कोठा बेडरूम। सो ये बेडरूम है? ये बेडरूम है। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रहा मीटिंग रूम। ये मीटिंग रूम, सिटिंग रूम, मीटिंग रूम दे रहे हैं। ओके ओके, आप तो 1614 से सिक्किम में हो तो सब कुछ पता चलेगा ना, पता चलता है ना। अब मैं आपको ना वो लोगों का पूजा कोठा दिखाती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, दिखाओ क्या बात है, क्या बात है। यहाँ से नीचे छोड़ते बोझो। अब हामी चाहिँ ब्याक टु होम। ये हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और रात भी होने वाला है, 4:30 जैसा हो गया है और बाइक हो चुका है स्टार्ट और थोड़ा गर्म करके निकल लेते हैं। सोच चले, ज़्यादा स्पीड भी नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि इतना बाउंस हो रहा है ना पीछे, इतना बाउंस हो रहा है सस्पेंशन। आते वक्त ना हम लोग आए थे ये राबंगला वाला रास्ते से, अभी हम लोग जाएंगे ये वाला रास्ते से, जोड़थंग वाला रास्ते से मल्ली हो के रंगपू हो के फिर जाएंगे। सो ये गाड़ी ना अभी बहुत, 2 hours later हम लोग पहुंच चुके हैं रंगपू चेक पोस्ट, पुराना वाला चेक पोस्ट। तो यहाँ से डुगा हो के घर जाएंगे। आज का दिन ऐसे ही रहा और आज का जो ब्लॉग है ना मैं यहीं पे इन करने जा रहा हूँ। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आप लोग मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ 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 वॉच द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. गुड नाइट. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग.